नमस्कार। मैं भितिहरवा से पैदल चल के आ रहा। पिछले 25 दिन से भितिहरवा पश्चिम चंपारण से रउरे जिला में ओजा गांधी आश्रम से पैदल चलकर हम आ रहे हैं। आज 25 दिन हो गया चलते हुए। बीच में कई गांव मिले जहां पर बंगाल से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। मेरा बंगाल से 2 साल का अनुभव रहा है। बंगाल में हम 2 साल रहे हैं, 2019 से लेके 2021 तक। पिछला जो चुनाव हुआ तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हमने काम किया है, तो हम बंगाली समझते हैं। बंगाली बोल नहीं सकते हैं लेकिन बंगाली समझते हैं। अगर आप बंगाली में बोलिएगा तो हमको समझ में आएगा। 1.5-2 साल तक बंगाली में ही सारा काम करते थे, तो आपकी भाषा तो मीठी है ही, आपकी दही भी मीठी है। मछली तो हम खाते नहीं है लेकिन दही भी बहुत मीठी है। मछली भी बहुत अच्छा है। मछली भी होगा तो मछली खाते नहीं ना है, लेकिन बंगाल के गली गली में मिष्टी दही अलग अलग तरीके से बनाकर लोगों ने हमको खिलाया है। 2 साल हम वहां थे। बंगाल में भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग आकर शरणार्थी के तौर पर बसे हुए हैं। आप अलीपुरद्वार कूच बिहार उत्तर से शुरू कीजिएगा, दिनाजपुर, उसके नीचे मुर्शिदाबाद, मालदह, नाडिया और नीचे के जो जिला है 24 परगना, नॉर्थ परगना में बहुत बड़ी संख्या में करीब करीब 2 करोड़ लोग बंगाल से जो बांग्लादेश से आए वो बंगाल में बसे हुए हैं। उनको बसाने के लिए, उनके सुविधा के लिए बंगाल में पहले एक पूरा डिपार्टमेंट चलता था, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, RNR डिपार्टमेंट था ना। तो उन शरणार्थियों के साथ काम करने का, मैं उनको शरणार्थी नहीं कहूंगा, विस्थापित कहूंगा। तो पहले तो आपको मेरा एक अनुरोध है कि आप अपने आप को शरणार्थी कहना बंद कीजिए। जितने भी आपके संगठन हैं, आप शरणार्थी नहीं हैं, आप तो बिहार के हो गए हैं, तो अपने आप को शरणार्थी क्यों कह रहे हैं? तो अपने सारे संवादों में जो आप अपने आप को कहते हैं कि हम बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, उस बात को कहना बंद कीजिए। आप बांग्लादेश से विस्थापित हैं लेकिन रहने वाले तो बिहार के हैं। ज्यादातर लोग आप में से ऐसे हैं जिनका जन्म बिहार में अब हुआ है, क्योंकि आपके बाप दादा आए होंगे। जो लोग आए अब तो बहुत कम ही लोग जिंदा रह गया होगा। 1956 का तो बहुत कम आदमी जिंदा रह गया। जाति को लेकर जो बंगाल में व्यवस्था है कि जो जाति आपकी बांग्लादेश में थी उसी जाति को लोगों ने वेस्ट बंगाल में भी मान लिया है। जो लोग वहां दलित थे उसी को बंगाल में नामशूद्र जो कम्युनिटी है, मतुआ कम्युनिटी है, उसको बंगाल में मतुआ मान लिया गया। वहां पर भी गाना बजाना करते थे, दलित थे। जब बांग्लादेश से आए तो इधर उनको दलित बना दिया गया। वहां पर जो ओबीसी थे वो आकर बंगाल में ओबीसी हो गया। तो एक रास्ता तो ये है कि जो आपकी मूल जाति थी वहां, क्योंकि पहले आजादी से पहले तो बांग्लादेश और भारत वो एक ही था, तो या तो उस मूल जाति को मान लिया जाए, उससे भी आपका समस्या का कुछ हद तक निराकरण हो सकता है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि आपका डिमांड क्या है, लेकिन बंगाल में यही चीज किया गया है। तो आपको, आपके जो संगठन हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि इस पर आप विचार कीजिए। 2 बातों पर, अपने को शरणार्थी नहीं कहकर विस्थापित कहिए। दूसरी बात, जाति को लेकर एक फॉर्मूला बनाया जाए कि क्या आपके मूल जाति को जाति मान लिया जाए तो उससे आपका समस्या का निराकरण हो सकता है कि नहीं। और तीसरी बात, जो सबसे आपकी प्रमुख समस्या है, जो मैं पूरा जमनिया मैनाटाड़ एरिया में घूम कर आया, जहां पर भी बंगाली लोग मिले उन्होंने बताया कि हमको यहाँ बसने के लिए उस समय जमीन दी गई थी, लेकिन उस जमीन पर मालिकाना हक आपका नहीं है। आप उस जमीन को, आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का शादी पड़ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो उस जमीन को आप बेच नहीं सकते। मालिकाना हक होना चाहिए। और दूसरी बात ये हुई है कि जो ओरिजिनल जमीन मिला, वो बड़ा जमीन मिला था,
लेकिन धीरे धीरे परिवार बढ़ गए तो जमीनों के कई टुकड़े हो गए हैं, ये भी बात लोगों ने बताया है। ये सारी बात हम लोगों ने नोट किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जाति के लिए जैसे एक व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो बांग्लादेश में आपकी मूल जाति थी वो या उसके समकक्ष की जाति के श्रेणी में आपको बिहार में डाल दिया जाए, और दूसरा जिन लोगों का भी जन्म बिहार में हुआ है उनका जो लीज होल्ड जमीन है उसमें उनको रैयती का अधिकार दे दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर रह रहे हैं, सेकंड जेनरेशन, थर्ड जेनरेशन, दूसरा तीसरा पुश्त रह रहा है तो उसको मालिकाना हक दिया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा भी किया है डेस्परेशन में या गरीबी की वजह से कि उस जमीन को औने पौने दाम में, अभी हम लोग वहां गए थे चौराहे पर जहां से मैं आ रहा था पीछे बजवा नहीं, जो जहां लोग रात में रुके थे जो बाजार था चौतरवा पतिलार से पहले जो बाजार है चौतरवा बाजार में हमको बहुत लोग मिला जो बंगाली लोगों से जमीन आप बेच सकते नहीं है, पैसा का जरूरत पड़ा तो पट्टा लिखवा लिया और औने पौने दाम में, मान लीजिए कि आपका 10 लाख का जमीन है आप बेचने का अधिकार नहीं है तो आपसे 1 लाख रुपए में जमीन ले लिया, उसका भी रजिस्ट्री नहीं हो रहा था। करीब करीब 10-12 हजार ऐसा आदमी है जो बंगालियों से जमीन कम दाम में लिखवा लिया है, लोगों ने लिखवाया वो भी नहीं है, मतलब रजिस्ट्री तो हो नहीं सकता है लेकिन जमीन आपका कब्जा ले लिया है, तो ये समस्या है मेरी जानकारी में है। इसीलिए पैदल जा रहे हैं, पैदल किस लिए जा रहे हैं, जाएंगे तभी ना गांव में गांव लोग से मुलाकात होगा, समझ में आएगा कि आपके यहाँ बाढ़ का समस्या है कि जमीन का समस्या है, आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपको सुविधा क्या है क्या नहीं है, ये जानने समझने के लिए ही तो पैदल चल रहे हैं, नहीं तो हम भी गाड़ी पर चलते हेलीकॉप्टर पर चलते, कोई रोक तो है नहीं। पैदल इसीलिए चल रहे हैं कि जिन लोगों की जिंदगी सुधारना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम हम एक बार आकर देखें तो आपसे बात तो करें कि आपकी समस्या क्या है, जब जान जाएंगे कि समस्या क्या है तभी उसका रास्ता निकालेंगे। तो आप भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए। जन सुराज का मतलब क्या है, प्रशांत सुराज नहीं, नीतीश सुराज नहीं, मोदी सुराज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। आपके बीच से आया हुआ आदमी समाज जिसको चुनकर निकाले उसी आदमी के पीछे बुद्धि शक्ति पैसा ताकत लगाएंगे और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से जिता कर लाएंगे। हमरत नहीं तो हमको वोट दे दीजिएगा तो हम भी ठग कर भाग जाएंगे। जैसा दूसरा नेता आता है कहता है कि हमको वोट दे दीजिए हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, वोट ले लिया फिर नहीं करता है, तो हम तो आपको वोट मांगिए नहीं रहे हैं। माता जी हमारे साथ आ रही थी पैदल पैदल से, कहेंगे रोवे के वोट दे तुम्ही को वोट देंगे, हम आपको बोले हैं कि हम तो वोट मांगिए नहीं रहे हैं, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। जनता का जिस दिन राज होगा बिहार में तभी बिहार में दुर्दशा ठीक होगा। लालू का राज हम लोगों ने देख लिया, लालू जी का, नीतीश जी का राज हम लोगों ने देख लिया, मोदी जी का देख लिया, स्थिति नहीं ना सुधर रहा है, आपका गरीबी खत्म हो रहा है, मजदूरी करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, गरीबी बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये ठीक तब होगा जब समाज से लोग निकाल कर लाए जाए और वही लोग मिलकर नया विकल्प बनाए, उसको जनता के समर्थन से जिता कर लाया जाए। वही सही मायनों में जो गांधी जी ने बताया जनता का राज होना चाहिए। गांधी जी ने देश को आजाद कैसे किया, आप कह रहे थे कि जब देश आजाद हुआ हम आप विस्थापित शरणार्थी बनकर आए तो कांग्रेस का सहारा था, आपका सबका भरोसा था कि जब तक गांधी जी इस देश के नेता हैं तो गरीब आदमी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, गरीब आदमी का बोलने वाला कोई एक आदमी खड़ा था। गांधी जी आजादी कैसे दिलवाए, गांधी जी तो एक ही आदमी थे, लाठी लेकर खड़े हो गए,
पीछे से पूरा समाज खड़ा हो गया। पूरा समाज, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बिहारी, क्या बंगाली, सब आदमी साथ हो गया। तो बिना अंग्रेज को भगाए, तो इस समाज को जगाने निकले हैं, वोट मांगने नहीं निकले हैं। समाज एक बार जग जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि भाई जितना दल है, नेता है, तो 30 बरस 40 बरस से ठग रहा है। आपके यहाँ आप बता रहे हैं छाती भर पानी लगता है, आपका जमीन है, आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का शादी लग जाए, आप जमीन को बेच नहीं सकते हैं। आपका इतना जीवन कष्ट में बीत रहा है, तो एक दिन का बात नहीं है, 40-50-60 साल हो गया। 60 साल में तो आप सबको देख लिए, कोई बाकी है? कांग्रेस को देख लिए, मोदी को देख लिए, लालू को देखे, नीतीश को देखे, काम नहीं ना हुआ। अब 2 बरस अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने बीच में से किसी को जिता कर लाइए, जन सुराज जनता का शासन करा कर दिखाइए, उसी से रास्ता निकलेगा। हम आपको विश्वास दिलाकर जा रहे हैं कि जिस दिन भी जन सुराज को मौका मिल गया, उसके 6 महीना के अंदर अंदर आपके समस्या का निराकरण होगा। जो लोग यहाँ जन्मे हैं, बिहार में, उनको उनके जमीन, अगर उनके हाथ में जमीन है तो सरकार से प्रावधान करके उस जमीन पर आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। और जाति की व्यवस्था के जो यहाँ बिहार में जातीय समीकरण जो व्यवस्था है, जो आपका बांग्लादेश में ओरिजिनल जाति था, उसके अनुरूप बिहार के किन जाति श्रेणी में आप आ सकते हैं, उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये 2 बात के लिए आप मेरा कार्ड रख लीजिए, फोन नंबर अगर नहीं हुआ तो हमारा गर्दन पकड़िएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो प्रयास हो, अरे प्रयास किया जाए ना। इतना धीरे बोलिएगा तो नहीं होगा। ये बिहार में नया जनता के सरकार बनावे के प्रयास जो हम कर जा रहे हैं, भाई होको ना। दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, तो आप पदयात्रा कर रहे हैं, तो पदयात्रा करें कि दल बनाए? पहले पदयात्रा कर लेना, पहले जनता का दुख दर्द समझ लेना, ठीक है ना? रास्ता आपका सहयोग साथ है ना इसमें? तो आपसे वोट नहीं मांगे हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए कि जो बात कहे इस पर ईमानदारी से कायम रहे, आपके साथ न धोखा करे न किसी को धोखा करने दे। आपका आशीर्वाद चाहिए। 3500 किलोमीटर गांव देहात बिहार पूरा घूम के एक नई व्यवस्था बनाएंगे, जिससे बिहार में गरीबी बेरोजगारी खत्म हो, आपके जीवन में खुशहाली आए। आप यहाँ आए, आपसे मिलने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं।